हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, IBPS PO का फॉर्म आ गया है, तो उसको भरने में बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आती है कि कौन से सेक्शन में क्या भरना है और कौन से सेक्शन को नहीं भरना है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो फॉर्म गलत फिल कर देते हैं, उसके बाद से वो परेशान होते हैं कि अब क्या करें, फॉर्म गलत फिल हो गया। तो फॉर्म गलत फिल करने से पहले फ्रेंड्स, एक बार फॉर्म कैसे फिल करना है उसे देख लेते हैं। तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि IBPS PO 2020 का फॉर्म कैसे फिल करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने लैपटॉप से फॉर्म को फिल करूंगा और आपको लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि फॉर्म को अपने मोबाइल से कैसे फिल करें। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपने लैपटॉप में क्रोम को ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन होते ही गूगल पे आपको सर्च करना है IBPS.in। IBPS.in को सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपका IBPS का होम पेज ये खुल के आ गया। IBPS का होम पेज खुल के आ गया, जो यहाँ पे ये जा रहा है, ये फर्स्ट वाला, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर CRP PO MT 10। यही है आपका IBPS का इस बार का नोटिफिकेशन वाला पेज। ये खोले, सेकंड पेज खुल गया। देखिए, ये होम पेज था, ये आपका सेकंड पेज खुला। सेकंड पेज पे दो ऑप्शन आ रहा है आपका, ये नीचे वाले ऑप्शन में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, और ये ऊपर वाले में आपका फॉर्म फिल करने के लिए आ रहा है। तो हम ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपको खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पेज खुल के आया। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है कि एप्लीकेशन डेट 5 तारीख से शुरू हो गया है, 26 तारीख तक रहेगा, और लास्ट डेट ऑफ फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन है 10/9/2020, और ऑनलाइन फी पेमेंट का है 5 तारीख से 26 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, ये ओपन हो गया। न्यू इसको सिंपली कर देंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दें ये फॉर्म। अब देखिए, बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है, ये पेज आपको ढेर सारे टैब दिख रहे हैं, बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट। पेमेंट तक आपको पहुंचना है, तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। अब बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है, वो बेसिक इन्फो ये पूरा फिल करने के बाद जब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उनका सेव एंड नेक्स्ट नहीं होता है। तो मैं अभी यहीं पे डाउट उनका क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए, हर पेज का, जितने भी ये टैब है, हर टैब का एक टाइम आउट टाइम होता है। एक टाइम आउट टाइम होता है कि मतलब इस पेज को भरने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप ये लगा रहे हैं तो उस पेज का टाइम आउट हो जाता है। टाइम आउट हो जाएगा, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग को यहीं पर दिक्कत हो रही होगी, उनको समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे फिल करना है। देखिए, जो भी मैंडेटरी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टार लगा है, वो मैंडेटरी फिल है। जहाँ स्टार लगा है उसको आपको भरना ही भरना है। ठीक, यहाँ पे सेक्शन क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब ये तीनों क्या होता है, अगर आपका नाम है अमन कुमार गुप्ता, तो अमन आपका फर्स्ट नेम है, कुमार आपका मिडिल नेम है, गुप्ता आपका लास्ट नेम है। अगर आपका नाम सिर्फ अमन गुप्ता है तो आपका फर्स्ट नेम अमन हो गया, लास्ट नेम गुप्ता हो गया, मिडिल नेम आपका कुछ भी नहीं है। इसलिए देखिए, मिडिल नेम पे कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ है। तो हम फटाफट से इसको भर लेते हैं। अमन अमन का एग्जाम्पल लिया गया है, तो अमन ही भर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट नेम में AMAN अमन कंफर्म करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, ये फिल हो रहा है कि नहीं, यहाँ फर्स्ट नेम डालते हैं, यहाँ पे आपको फुल नेम में अमन अपने आप से यहाँ आ गया है। फ्रेंड्स, इसका मतलब आपका नेट भी सही चल रहा है, फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक, यहाँ पे कंफर्म करेंगे AMAN अमन, मिडिल नेम कुमार, कंफर्म करेंगे मिडिल नेम कुमार, ठीक, लास्ट नेम में गुप्ता। ठीक है, लास्ट नेम में गुप्ता डाल दिए, यह हमने, सॉरी, यहाँ लास्ट कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे भी आएगा गुप्ता। ये आपका फिल हो गया, ये सेक्शन फिल हो गया। नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। देखिए, मोबाइल नंबर में कोई भी STD कोड नहीं डालना है, जैसे 0+91 ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ अपना सिंपल मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका हमेशा ऑन रहे, आपका खुद का रहे, क्योंकि ये इसी मोबाइल नंबर पे आपका सब मैसेज आएगा, लास्ट तक जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्री मेंस इंटरव्यू होने के बाद, तब तक सारे कॉन्टैक्ट आपके इसी मोबाइल नंबर से होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल हो वही डालिएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, 537, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे उसको कंफर्म करना है, कंफर्म कर दी मोबाइल नंबर को। अब यहाँ आप अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो मत डालिएगा। ठीक,
है, यहाँ पे जीमेल आईडी, ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी भी फ्रेंड्स वही डालिएगा जो आपका अपना हो, फेक ना हो और जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ये बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही से ही आपके आपका कांटेक्ट होगा। प्री और मेंस का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड सब आपको इसी इन्हीं दोनों चीज़ पे अवेलेबल होने वाला है। और अगर इन फ्यूचर आप कुछ गलत फील कर दिए हैं तो वो सब करेक्शन भी इन्हीं दो चीज़ से की हेल्प से ही होगा। तो ये दोनों बहुत ही सही से डालिएगा, यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरा नहीं फिल करना है, एट द रेट यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है, एट द रेट के बाद जो भी है आपका डोमेन है, gmail.com है, हॉटमेल है, .co.in जो भी है, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, पूरा यहाँ नहीं फिल करना है, ठीक है। और जब कन्फर्म ईमेल आईडी है यहाँ पे आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। फिल कर दिया तो ये कन्फर्म ईमेल आईडी हमने पूरा भर दिया। यहाँ पे कैप्चा कोड जो यहाँ दिया है सिक्योरिटी, उसे भरेंगे, W5XN8, ये हमने यहाँ भर दिया। अब यहाँ से हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करें, ओके करें। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट करते ही वो सेकेंड पेज हमारा खुल गया, पहला बेसिक इन्फो वाला कंप्लीट हो गया। और आपके मोबाइल पे उसी टाइम पे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। मैं इसको मैसेज की बात जो बात कर रहा हूँ उसको मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगा। मैसेज आ जाएगा पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का, ठीक है। क्योंकि ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जनरेट हुआ है, यही आपको मैसेज के रूप में आपके मोबाइल पे एट उसी सेकंड आ जाएगा जैसे ही आपको ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। ताकि आप आगे चल के बाद में भी यहाँ से लॉग आउट कर लेंगे तो बाद में भी यही रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके मोबाइल में जो पासवर्ड है वो डाल के लॉग इन कर लें। अब सेकंड पेज पे देखिए क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो सिंपल आपके पास गाइडलाइन आ जाएगा। इसमें ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है, बस आपको मैं फटाफट से बता देता हूँ क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फोटोग्राफ दिया है, फोटोग्राफ इमेज के लिए आपको देखना क्या है कि आपका फाइल साइज यहाँ दिया हुआ है, साइज ऑफ द फाइल शुड बी 20 से 50 KB होना चाहिए। जो इमेज का फाइल साइज है वो 20 से 50 KB का होना चाहिए और JPG फाइल होना चाहिए, ठीक है। JPG फाइल होना चाहिए 20 से 50 KB का होना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर थंब एक्सप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए क्या दिया हुआ है, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका डिक्लेरेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। फ्री हैंड से सिग्नेचर और सिग्नेचर और डिक्लेरेशन जो भी है दोनों आपको फ्री हैंड से करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, फ्री हैंड से लिखना है जैसा आपकी राइटिंग हो वैसा। और जो डिक्लेरेशन है उसका फाइल साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो तीन चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, समझना है आपको, फाइल फोटोग्राफ है जो 20 से 50 KB होना चाहिए, सिग्नेचर है 10 से 20 KB होना चाहिए, डिक्लेरेशन है 50 से 100 KB होनी चाहिए। बस यहाँ पे यही तीन चीज़ है, इसको कंटिन्यू कर देंगे फ्रेंड्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सॉरी फोटोग्राफ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि इस साइज का फोटो हम कहाँ से लाएँ। तो देखिए उसका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने मोबाइल से क्लिक करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो फोटोग्राफ है, पहले सिग्नेचर फोटोग्राफ की बात करें तो ये फोटोग्राफ है, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसका साइज आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे है 140 KB, 140 KB है इसका साइज, लेकिन हमें चाहिए 20 से 50 KB के बीच में। तब इसको कैसे डिसाइज करें फ्रेंड, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे ओपन विथ, इसको पेंट में ओपन करेंगे, ओपन विथ पेंट, पेंट में ओपन कर लिए। अब यहाँ पे जाएंगे रिसाइज, रिसाइज का ऑप्शन है, रिसाइज में जाएंगे, इसको हम चेक करेंगे करके। देखिए मेरा 180 KB के आसपास था, आपका आपका फाइल साइज आपके कैमरे के हिसाब से किसी भी KB में हो सकता है, आप उस हिसाब से यहाँ पे साइज डाल डाल के चेक करेंगे कि 20 से 50 के बीच में आया कि नहीं। देखिए जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ 40, तो हॉरिजॉन्टल भी 40 हो गया, वर्टिकल भी 40 हो गया, इसको मैं ओके कर दूंगा, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको सिंपल कट करूँगा तो आएगा सेव करने के लिए, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव हो गया तो यहीं पे फाइल सेव हो गया दोबारा से इसी पे। अब इसका प्रॉपर्टी हम देखते हैं कितना हुआ, प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखिए ये फाइल साइज इसका हो गया 44 KB, 44 KB में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि हमारा जो 20 से 50 KB चाहिए था तो ये 44 KB में है, तो ये अपना सही हो गया, सही हो गया, साइज में आ गया। इस तरीके से आप भी अपना, जैसे मैंने 40 डाला तो मेरा सही हो गया, आप अपने हिसाब से अगर 40 डालिए आपका तब भी 50 KB से ऊपर आ रहा है तो फिर से वहाँ पे जाके उसको 40 की जगह 80 डाल के देखिए, 20 डाल के देखिए, वहाँ पे आप
चेंज करके देखते रहिए आपके केबिन में जब तक एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा यहाँ एडजस्ट हो गया, इसको फोटो दोनों फाइल साइज सही हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्रोम पे। हमें यहाँ चूज़ करना है फाइल, फाइल चूज़ करें, हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा है तो डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये डेस्कटॉप, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे लोड होगा, लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पे खुल के आ गया है, हमारा सिग्नेचर है फ्रेंड्स ये। अब हम अपने सिग्नेचर पे आएंगे, सिग्नेचर हमारा होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। तो यहाँ पे देखिए हम इसको प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये हमारा अभी है 50 KB में, 50 KB में इसको 10 से 20 KB में लाना है हमें। तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही इसको पेंट में ओपन करेंगे, पेंट में ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ पेंट, और इसको हम 20 KB के अंदर लाना है। रिसाइज में जाएंगे, रिसाइज में जाके अभी 50 KB पे है तो इसको हम 50-50 कर लेते हैं, ओके करेंगे, सेव करेंगे, सेव करेंगे। अब इस डॉक्टर जो फाइल हैज़ नॉट बीन सेव, ओके, तो सेव करेंगे और आके अब यहाँ पे देखेंगे इसका साइज क्या हो गया। प्रॉपर्टी में जाएंगे, साइज देखिए इसका साइज है, हो गया है 20 KB। तो 10 से 20 KB चाहिए, ये 20 KB है तो अपलोड हो जाना चाहिए। तो अब चलते हैं इसे इसे अपलोड करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे चूज फाइल, और ये रहा अपना सिग्नेचर, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ओपन करेंगे। देखिए ये अपलोड होने लगा है, थोड़ा टाइम लेगा आपके नेट के स्पीड के हिसाब से, थोड़ा टाइम लेगा और ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिए ये अपलोड हो गया, ये आपका सिग्नेचर यहाँ आ गया, ये आपका फ़ोटो आ गया। तो फोटो और सिग्नेचर भी हमारा, ये दोनों टैब पूरा हो गया। बेसिक इन्फो में मैंने आपको बताया क्यों सेव नेक्स्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पेज का टाइम आउट होता है, उसको फटाफट से भरना होता है। ठीक है, फोटोग्राफ सिग्नेचर में मैंने आपको बता दिया, फोटोग्राफ का साइज, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, कैसे आप सिग्नेचर और फोटोग्राफ को चेंज करेंगे, ये डाउट भी क्लियर हो गया। ये दोनों टैब हमने भर लिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपने डिटेल वाले पे। फ्रेंड्स यहाँ ये हमारा डिटेल वाला टैब खुल गया है, अब यहाँ पूरा हमें फिल करना है सही से, इसको भी फटाफट से हमें भरना होगा नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा, और एकदम सही सही भरना है। कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जो भी कैटेगरी हो, OBC मैं यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट लिए वो बोल रहा था कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो मैंने ओके कर दिया है। यू पर्सनली डिसेबल्ड हैं तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पर्सन विद डिस बेंचमार्क डिसेबिलिटी और 40% अगर यस कर देंगे, तब आपको ये सारे ऑप्शन खुलेंगे, आपको यहाँ सब सेलेक्ट करना होगा। अब मैंने इसको नो सेलेक्ट कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, क्यों, ये सब डिसेबिलिटी वालों के लिए था जो कि हमने यहाँ पे नो कर दिया, तो ये सारे ऑप्शन हमारे लिए ब्लॉक हो चुके हैं। तो जो ऑप्शन केवल खुले होंगे वही हम करेंगे, जैसे कि ये वाला हमारा खुला हुआ है। तो क्या आर यू चाइल्ड और फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984, राइट, यस सर, आपके लिए तो यस करिए, मेरे लिए नो है तो मैं यहाँ नो कर दे रहा हूँ। क्या आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो, मैं नो कर दे रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन उनके लिए हो रहा है, आर्मी, नेवी, इन सब के लिए है। ये मत कहिए, सोचिए कि एक्स सर्विसमैन में आप कहीं एक्सपीरियंसड है, कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आप यहाँ यस लगा दें। ठीक है, अगर यस करेंगे तो ये भरने को आपको आएगा, अब मैंने नो कर दिया तो ये सब हमारे लिए ब्लॉक हो गया है। ठीक, अब रीजन टू विच यू बिलोंग, रिलीजन कौन सा है, यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या आपका रिलीजन माइनॉरिटी में आता है, तो नो, अगर आपका माइनॉरिटी में आता हो तो यस करिएगा। ठीक है, वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप किसी बैंक में पहले से काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो इसको यस करिए, अदरवाइज नो करिए, मैं अभी नो कर दे रहा हूँ। हैव यू अपियर फॉर, आपने कभी इसके पहले अपियर किया है पीओ एग्जाम के लिए, देखिए यहाँ पे भी लोग डाउट होता है, इसको मैं यस भरूँ या नो भरूँ। ठीक है, आप इसको अगर आपने पहले अपीयर किया है तो यस भरिए, नहीं अपीयर किए हैं तो नो भरिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं यहाँ यस कर दे रहा हूँ। हाउ मेनी अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट है आप वो यहाँ डालिए, मैं 1 डाल दे रहा हूँ। कौन सा दिया था आपने उसको यहाँ सेलेक्ट करिए, मैं यहाँ 9 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, 9 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको इसको भरना पड़ेगा। फिर नेशनल नेशनैलिटी में क्या डालना है, इंडियन डालना है, इंडियन, ओके, आगे बढ़िए। तो जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा फ्रेंड, नहीं तो ये पेज का टाइम आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरी है, अपना स्टेट डालिए, यू सेलेक्ट करूँगा, यूपी आ जाएगा मेरा, यूपी मैंने भर दिया। आप जिस स्टेट से हैं आप वो स्टेट भरिए, स्टेट कोड ये अपने आप से ले लेगा। फिर सेंटर, सेंटर सेलेक्ट करने को आएगा यहाँ पे, प्री एग्ज़ाम का सेंटर, अब मैंने यूपी सेलेक्ट किया है तो मेरे आसपास का जो शहर है मैं वो सेलेक्ट करूँगा, तो मैंने वाराणसी का हूँ तो मैं वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। मेंस एग्ज़ाम के लिए सेंटर आपसे पूछेगा, फिर
तो जो आपके पास में होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ भी वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपका खुद का पर्सनल है, आप वो सब यहाँ पे भरिए, लेकिन स्पीड बनाए रखिएगा, नहीं तो पेज का टाइम आउट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आप परेशान होंगे कि क्यों नहीं ये सेव हो रहा है। मेल अनमैरिड, अब यहाँ पे फादर्स नेम आप कुछ भी डालिए, मैं कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि मैंने नाम लिया हुआ है अमन, मैं यहाँ कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ABCDEF। देखिए ये सब गलतियाँ नहीं होना चाहिए फादर नेम मदर नेम में, फादर नेम मदर नेम में गलती नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ मिलाया जाएगा, आपका फादर नेम मदर नेम मिलाया जाएगा। गलत नहीं भरिएगा, एकदम देख के अच्छे से भरिएगा। और ये जो एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसको जो आपका परमानेंट एड्रेस है, मैं कहूँगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही भरिएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में, क्योंकि ये जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो इसके थ्रू ही आएगा, और जो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो भी वहीं पे होगा। तो ऐसे जगह ही भरिएगा जहाँ पे आपको लोग जानते हो पहचानते हो, तो बहुत सारी बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया बाई पोस्ट, मेल से भी आ जाता है लेकिन दिक्कत होती है, तो उन सब दिक्कतों में ना पड़े इसलिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में परमानेंट एड्रेस डालिएगा जहाँ पे मेल आता हो, चिट्ठी आती हो, पहुँचती हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैं एड्रेस डाल दे रहा हूँ, लिख के कुछ भी डाल दीजिए, आप अपना कुछ भी डाल दीजिएगा, वाराणसी में यहाँ डाल दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट करिए, पिन कोड अपने यहाँ का पिन कोड डालिए, अब यहाँ पे टिक कर दिए सेम एज अबव, तो ये सारा चीज़ ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये दो एड्रेस आप मत डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत दिक्कत होता है इससे, मैंने पहले ही बता दिया है क्या दिक्कत होता है, चिट्ठी नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। GST इनवॉइसिंग के लिए, GST के लिए आप क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे परमानेंट एड्रेस, ठीक, ये भी हो गया। अब हो गया, वैलिडेट करें, वैलिडेट कर देंगे अपने डिटेल को, सिंपली इसको वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही देखिए बेसिक हमारा भर गया, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज पे आया, उसके बाद प्रेफरेंस पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन आपने पास किया है तो किस स्ट्रीम से पास किया है, BE, BTech, BSc, BCom, BA या अदर, मैंने BTech किया तो BTech पे क्लिक कर लूँगा। सब्जेक्ट क्या था आपका, आर्ट्स साइंस, BTech है तो साइंस होगा, सॉरी BTech है तो इंजीनियरिंग होगा। उसके बाद है पासिंग डेट, आप अपना पासिंग डेट भर लीजिएगा, यहाँ पे मैं अपना पासिंग डेट भर ले रहा हूँ। ये सारी आपके पर्सनल डिटेल हैं, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा फ्रेंड्स। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप गलत भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही बहुत दिक्कत क्या होती है, मतलब ये नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बट एक डर बना रहेगा आपको लास्ट तक, एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने के लास्ट तक आपको एक डर बना रहेगा कि क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाऊंगा, कैसे होगा, DV के टाइम भी आपको डर बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पे अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरिएगा, ठीक। मैं इसको यहाँ पे अभी छोड़ दे रहा हूँ। अदर डिटेल में, फॉर सेफ्टी और वेलबींग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड, तो देखिए COVID-19 की वजह से प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। इन केस इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, आर यू डिजायरियस टू टेक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, क्या आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेने के लिए डिजायरियस है, अगर होगा तो ये SC ST और माइनर कम्युनिटी के लिए है, अगर आप इसका इसमें बिलोंग करते हैं तो इसको फिल करेंगे, नहीं बिलोंग करते तो नहीं फिल करेंगे, ये टोटली अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लैंग्वेज लोन में आप यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज आता है वो भरेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तीन कॉलम दिया हुआ है आपको, जितने लैंग्वेज, दो आता है दो ही भरिए, एक आता है एक ही भरिए, तो दो तो सबको आता होगा, एक हिंदी या इंग्लिश, और तीसरा आप अगर किसी स्टेट में जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी आता होगा, गुजरात में गुजराती आता होगा, तो वो भी आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले में आप इंग्लिश डालिएगा, इंग्लिश डालिए, ENG इंग्लिश हम यहाँ डाल दिए, रीड राइट और स्पीक तीनों पे टिक लगाएंगे, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी को भी हम तीनों पे टिक लगाएंगे, रीड राइट और स्पीक, ठीक है। अब आपको इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आता है तो आप उसको यहाँ भरिए, और उसको अगर आप जो तीनों में जो आता हो उस पर टिक लगाइए, नहीं आता है केवल पढ़ने आता है तो केवल रीड पर लगाइएगा, केवल लिखने आता है केवल राइट पर लगाइएगा, या केवल बोलने आता है तो केवल स्पीक पे टिक लगाइएगा, तीनों आता है तो तीनों पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम वैलिडेट करेंगे, तो ये हमारा एक छूट गया है, वैलिडेट करने में बता रहा है ये हमारा छूट गया है, क्या है पढ़ते हैं, वेदर एनी
प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्वेंशन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवार्डेड बाई कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस। अच्छा, कोई आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, कोई आपके अगेंस्ट कंप्लेन चल रहा है, कंप्लेन है पुलिस स्टेशन में, वो यहाँ बताना है, तो आपके खिलाफ नहीं होगा। नो पे आपको टिक करना है, नो कर देंगे सिंपल। ओके, अब वैलिडेट करेंगे इसको। एक और हमारा यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या है, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम। देखिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है, आप इसको नो कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आप इसको यस करके चलिएगा, यस करिएगा। सर्टिफिकेट आपको आपके हाई स्कूल में, मतलब 10th में 12th में अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो ये यहाँ पे स्टडी इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर से तो डिप्लोमा पे करिएगा, अगर अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट पे करिएगा। ज़्यादातर लोग हाई स्कूल या 10th या कॉलेज में तो पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी दो ऑप्शन देगा, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था या आईटी एज अ सब्जेक्ट था, तो कंप्यूटर जो आपका होगा वो आप यहाँ से लीजिए। जैसे मेरा कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था तो मैं कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पे टिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको वैलिडेट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया, अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए डिटेल हमारा फिल हो गया है, डिटेल्स में अब प्रेफरेंस पे हम पहुंच गए हैं, प्रेफरेंस वाले सेक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वैकेंसी देनी है इस साल, उनका नाम दिया हुआ है और आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। आप इसमें से जिसको सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस आपको भरना है। अब प्रेफरेंस किस हिसाब से भरे अगर मैं ये आपको बताने लगूँ तो इस पे ही मुझे आधा घंटा लग जाएगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। आप यहाँ पे प्रेफरेंस वैकेंसी को देख के बिल्कुल भी नहीं भरेंगे फ्रेंड्स, कि इस बैंक में इतनी वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी है तो उसको नंबर वन पे डाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेफरेंस के लिए आपको आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो कौन सा बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, कौन सा बैंक कहाँ मेजोरिटी में ज़्यादा ब्रांचेज हैं, इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो ये सब एनालिसिस हम करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही कि प्रेफरेंस कैसे फिल करना है। तो आप अपने हिसाब से इसको प्रेफरेंस को भर देंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा फिर भरिएगा। अभी मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें, तो नीचे से टिक कर ले रहा हूँ। जैसे जैसे आप यहाँ टिक करेंगे देखेंगे आपका प्रेफरेंस यहाँ पे बन जा रहा है, यूनियन बैंक नंबर वन पे आ गया, यूको दूसरे पे आ गया, पंजाब एंड सिंध तीसरे पे आ गया। इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका प्रीफर्ड बैंक उस ऑर्डर का प्रेफरेंस उसको मिलता जाएगा। जैसे हमने ऐसे ही रैंडम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है फॉर एग्जाम्पल, फिर इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिए तो ये हमारा प्रीव्यू वाला सेक्शन खुल गया पूरा। आपका डिटेल आप एक बार बढ़िया से इसको मिला लेंगे। दिस इज़ अ प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। यहाँ आपका फुल नेम दिया हुआ है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका कास्ट, आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी है कि नहीं, नो, यहाँ फोटोग्राफ, यहाँ पे टिक करेंगे, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फोटोग्राफ, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते थे, कितना अटेम्प्ट है, नेशनलिटी क्या है, स्टेट क्या है, सिटी कौन सा सेलेक्ट किया है, सब चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट देख लेंगे अच्छे से। डेट ऑफ बर्थ की सब चीज़ सही भरा है कि नहीं, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब बिल्कुल सही से भरा होना चाहिए, एकदम सही से दोबारा से चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कंफर्म करेंगे, आई एग्री डिक्लेरेशन पे कंफर्म करेंगे, आई एग्री पे। तो यहाँ पे यह सिग्नेचर अभी खुला नहीं है सही से, ये आपके में खुल जाएगा, नेट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यस आई कंफर्म दैट दिस इज़ माय सिग्नेचर, ठीक है। ओके, फाइनल सबमिट, यहाँ पे ओके करेंगे, नहीं कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही अपलोड, देखिए प्रीव्यू वाला सेक्शन पूरा हो गया, अपलोड वाला सेक्शन खुल के आ गया। अब यहाँ पे क्या अपलोड करना है, यहाँ पे आपका थंब एक्सप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, ठीक है। थंब एक्सप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन हम अपलोड कर लेते हैं, उसके लिए फिर से हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। फ्रेंड्स ये आ गए हम अपने स्क्रीन पे, ये रहा हमारा थंब एक्सप्रेशन। थंब एक्सप्रेशन आपका लेफ्ट हैंड का होना चाहिए फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हैंड में होना चाहिए और इस जेपीजी फाइल होना चाहिए और इसका साइज 20 से 50 KB होना चाहिए, जैसा कि गाइडलाइन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं, देखते हैं कि क्या साइज है इसका। इसका साइज है अभी 220 KB, ठीक है, 220 KB है। इसको 20 से 50 KB के अंदर लाना है, तो हम इसको ओपन करेंगे पेंट में। पेंट
पेंट में ओपन करते हैं और इसको छोटा करेंगे, फिर पेंट में आ गई है, रिसाइज करते हैं इसको, रिसाइज में जाएंगे, इसको कर देते हैं हम 20 पे, 20 20 दोनों साइड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ओके, इसको सेव करेंगे, सेव। ये इसका साइज़ अब देखते हैं कितना हो गया, इसका साइज़ देखिए घट के हो गया है 28 KB, 28 KB हो गया, 20 से 50 KB चाहिए था, 28 KB हो गया, ये वेल एंड गुड है। ठीक, उसके बाद है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को डिक्लेरेशन लिखने नहीं आता है, तो वो टू कॉपी कर सकते हैं इसको, एकदम हूबहू कॉपी कर लीजिए। बस यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है, इसको अपना इसके जगह पे आप अपना नाम लिखिएगा। क्या लिखा है, आई आशुतोष गुप्ता हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन एंड वेन रिक्वायर्ड। ये आपको लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है फ्रेंड्स, ब्लू पेन से नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से इसको लिखने के बाद इसका इमेज साइज दिया हुआ था 50 से 100 KB, तो देख लेते हैं इसका साइज क्या है। इसका साइज अभी है 284 KB। ठीक है, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, पेंट में जाएंगे, पेंट में गए और इसको 50 से 100 करना है, तो इसको हम ले लेते हैं 50 50 50 50 हो गया। ओके करेंगे और इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं इसका साइज़ क्या हो गया है। अब इसका साइज़ हो गया है हमारा 152, 152 हुआ है। 100 के अंदर लाना है तो इसको और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा, तो एक बार और इसको छोटा कर लेते हैं, पेंट में ओपन करके इसको हम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 80 80 ले लेते हैं। अब 150 था तो ज़्यादा छोटा नहीं करना है, 80 कर देंगे इसको, सेव करते हैं, देखते हैं अब कितना छोटा हो गया है। तो ये 112 अभी भी 100 के अंदर नहीं आया है, 112 है, तो इसको और छोटा करना पड़ेगा, तो एक बार और हम इसको पेंट में लेते हैं। फ्रेंड यही मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि अगर आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको छोटा करते जाइए जब तक आपके रिक्वायर्ड साइज़ में ना आ जाए। तो फिर से एक बार 80 80 कर देते हैं इसको और देखते हैं क्या ये 100 के अंदर अब मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अब इसको 100 के अंदर तो देखें, हाँ तो देखिए ये अब 80 KB का हो गया, 100 के अंदर आ गया, 80 KB का हो गया, ये अपने साइज में आ गया। ठीक है, अब इसको हम अपलोड कर देते हैं, यहाँ अपलोड कर देते हैं। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिखा है, चूज फाइल, हमारा डेस्कटॉप पे फाइल पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप खुला हुआ है, डेस्कटॉप पे ये थंब एक्सप्रेशन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड हो गया है, देखिए प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन पे आते हैं, इसको भी अपलोड कर देते हैं पहले, फिर देखा जाएगा। ये रहा हमारा डिक्लेरेशन, इसको सेलेक्ट कर लिए, ओपन, ये अपलोड होने लगा, यहाँ पे वो भी प्रीव्यू लिख के आ जाएगा जैसे ही वो अपलोड होगा। ठीक है, और तब तक हम यहाँ कैप्चा अपना डाल लेते हैं, कैप्चा क्या है, 9 GP GP7। देखिए ये हमारा डिक्लेरेशन भी अपलोड हो गया है, ओके करना है बस यहाँ पे, ओके कर दें, ये भी यहाँ प्रीव्यू में आ गया है। अब यहाँ कैप्चा डाल लेते हैं, GP7 GQ GQ, ये हमने डाल दिया। अब हमें 7 नेक्स्ट कर देना है, सिंपल 7 नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे यहाँ पे, और हम अपने अपलोड वाले टैब से पेमेंट वाले टैब में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट वाले टैब में हम आ गए हैं, सारा बेसिक इन्फो, फोटोग्राफ सिग्नेचर डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, सब टैब मैंने अच्छे से आपको समझाया है। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने दिक्कत को डालिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो आपका सोल्यूशन देंगे, मैं भी वहाँ पे हूँ आपके लिए, वहाँ अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, पेमेंट में आ गए हैं, यहाँ कैप्चा डालेंगे, पेमेंट मेथड आएगा, आप अपना पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पर लॉगआउट कर सकते हैं, जब आपको सुविधा पड़े तब आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, कैप्चा डाल, आपको समझ में आ गया होगा, आप यहाँ से देखिए लॉग आउट कर सकते हैं, सिंपल यहाँ लॉग आउट करेंगे और आपके मोबाइल पे जब आपने पहला टैब भरा था बेसिक इन्फो वाला, तभी आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया होगा। आप दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पासवर्ड डाल के, यहाँ सिक्योरिटी कोड जो कि इसको रिफ्रेश करेंगे तो सिक्योरिटी कोड आएगा, डाल के सबमिट करेंगे, दोबारा से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। आई होप आपको सारा डिटेल समझ में आया होगा, अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश किया हूँ, जहाँ जहाँ जो दिक्कत लोगों को आती है वो समझाने की कोशिश किया हूँ, सब क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज़ रह गया है, प्रेफरेंस, बैंक का प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करें, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ,
जैसे ही वो अपलोड होगा आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा और फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जितना जल्दी आप फॉर्म को फिल कर देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है साइट पे और साइट बार बार क्रैश होती है, तो बहुत दिक्कत होता है फॉर्म फिल करने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मोबाइल से कैसे फिल करें। ये तो हो गया लैपटॉप से। अगर आपको मोबाइल से फॉर्म को फिल करना है तो कैसे फिल करें फॉर्म को फिल करेंगे, तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे इसको फिल करेंगे। हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ऑन कर लेते हैं गूगल क्रोम को। क्रोम को ऑन करेंगे, यहाँ पे हम अपना वही टाइप करेंगे ibps.in, ठीक है, ibps.in सर्च करेंगे तो हमारा ibps का साइट खुल जाएगा। और जैसे हम उस वहाँ कर रहे थे डेस्कटॉप पे, वैसे ही करना है। बस यहाँ पे जो ये थ्री डॉट है, जो ये थ्री डॉट है फ्रेंड्स, ये थ्री डॉट, इसको हमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएगा डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ, ये डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसको आपको टिक कर देना है। इसको आप टिक करेंगे तो ये आप डेस्कटॉप, आपका मोबाइल डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो चुका है। अब नॉर्मल जैसे आप डेस्कटॉप में फिल कर रहे थे वैसे इसको फिल करेंगे। ये जो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन CRP9 है, इसको टिक करेंगे, ये आपका खुलेगा। फिर से जाएंगे, दूसरा पेज खुल गया इसलिए फिर से जाएंगे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट वाला आपका फॉर्म भरने वाला है, इसको फॉर्म भरने वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए लिख रहा है योर डिवाइस इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, बट आप जैसे ही डेस्कटॉप साइट पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये आपका लिखेगा दिस वेबसाइट इज़ व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। तो हम अपना यहाँ से लैंडस्केप मोड ऑन कर देते हैं और इसको लैंडस्केप में रोटेट कर देते हैं। रोटेट करते हैं, देखिए खुल गया ना, खुल गया ये फॉर्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप यहाँ क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसमें जाएंगे, जैसे जैसे फॉर्म हमने फिल किया था वैसे ही सारा प्रोसेस सेम रहेगा। आपको फिल करना है बस डेस्कटॉप साइट को चालू करना है, स्क्रीन को रोटेट करना है और आपका मोबाइल एलिजिबल हो जाएगा फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इस तरीके से आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको रोटेट करेंगे ये लिख देगा कि केवल व्यूएबल इन लैंडस्केप मोड, और जैसे इसको लैंडस्केप में लाएंगे ये दिखने लगेगा। तो आपको बस लैंडस्केप मोड में रहना है और डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर देना है और आपका मोबाइल डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा और आप फॉर्म फिल कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको फॉर्म भरना है उनको शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।